आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को बीते दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात एक सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने थप्पड़ जड़ा था और उसके बाद उस सिपाही ने कहा था कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने जो बयान दिया था उससे वो काफी आहत थी। हालांकि इसके बाद कार्रवाई हुई, महिला सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला सिपाही द्वारा कंगना रनौत को थप्पड़ मारने पर पंजाब के बिजनेसमैन ने महिला सिपाही को 1,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर पंजाब के इस बिजनेसमैन ने यह ऐलान क्यों किया है, क्या वाकई कंगना रनौत से उनकी कोई खास दुश्मनी है या फिर कोई और बड़ी वजह है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने वाली कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने थप्पड़ मार दिया। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सिपाही का नाम कुलविंदर कौर है। कुछ लोग कंगना को थप्पड़ मारने वाली सिपाही के पक्ष में आ गए तो उन्हीं पंजाब के जीरकपुर का एक बिजनेसमैन भी उस सिपाही के पक्ष में है। इस बिजनेसमैन ने कंगना को थप्पड़ मारने वाली सिपाही को इनाम देने की घोषणा की है। पंजाब के जीरकपुर के बिजनेसमैन शिवराज सिंह बैंस ने ऐलान किया है कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को 1,00,000 रुपए देंगे। उन्होंने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में शिवराज सिंह बैंस कह रहे हैं कि मैं कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली इस महिला सिपाही को सलाम करता हूँ। उसने पंजाब और पंजाबियत को बचाने के लिए ऐसा किया है। मैं उसके इनाम के तौर पर उन्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। वही कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला सिपाही कुलविंदर कौर का यह कहना है कि कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से आहत थी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के वक्त कंगना के बयान से नाराज थी। एक्ट्रेस ने तब कमेंट किया था कि पंजाब की महिलाओं ने पैसे के लिए किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। उसने कहा कि इस आंदोलन में मेरी माँ भी बैठी थी, उस बात का बदला लेने के लिए उसने कंगना को थप्पड़ मारा। वहीं इस मामले पर कंगना रनौत ने भी एक वीडियो जारी कर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ गाली भी दी है। कंगना ने पंजाब में आतंक और हिंसा में हैरान वाली वृद्धि शीर्षक से एक वीडियो बयान पोस्ट किया। कंगना ने वीडियो में कहा है कि वो सुरक्षित और ठीक है लेकिन पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को लेकर चिंतित भी है। कंगना ने दिल्ली पहुंचने के बाद बयान जारी कर कहा कि महिला सिपाही उनकी ओर आई, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उस सिपाही ने कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करती है। तो जैसा कि आपने सुना, बीते दिन चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला सिपाही ने बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ा था और उसके बाद उन्होंने वजह दिया था कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने जो बयान दिया था जिससे वो आहत थी। बता दें कि कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा था कि पंजाब की महिलाओं ने पैसे लेकर किसान आंदोलन में हिस्सा लिया है और सिपाही का ये कहना था, महिला सिपाही का, कि उनकी माँ भी उस आंदोलन की हिस्सा थी और वो उसी का बदला कंगना रनौत से ले रही थी। तो वहीं पंजाब के बिजनेस शिवराज सिंह बैंस ने सीआईएसएफ की महिला सिपाही जिनका नाम कुलविंदर कौर है उसको 1,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब और पंजाबियत की लाज रखी है, ऐसे में मैं उन्हें इनाम के तौर पर 1,00,000 रुपए दूंगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।